भरतपुर में मंगलवार को जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से जिला कांग्रेस कार्यकारिणियों एवं राजनीतिक नियुक्तियों के लिए रायशुमारी की गई। इसके लिए कांग्रेस के जिला प्रभारी वेद प्रकाश सोलंकी की अध्यक्षता एवं कांग्रेस के संभाग प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र सिंह के मुख्य आतिथ्य में सम्मेलन का आयोजन किया गया। वहीं कार्यकर्ता सम्मेलन में गृह राज्य मंत्री भजनलाल जाटव, पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह, बयाना विधायक अमर सिंह जाटव, नगर विधायक वाजिब अली भी शामिल हुए। जैसे बसपा के हमारे साथी मंच पे बैठे हैं, आरएलडी भरतपुर से जीती है, कांग्रेस पार्टी का हिस्सा है हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, तो उनकी भी जिम्मेदारी है कि मंच पे आए, आना चाहिए। मैं तो खुद स्वयं कहता हूँ उनको, उनको अपना सहयोग देना चाहिए। मैं तो स्वयं इस बात की मांग करता हूँ, ये कोई व्यक्तिगत मंच नहीं है किसी का, ये कांग्रेस पार्टी का मंच है। व्हेन यू आर पार्ट एंड पार्शियल ऑफ द पार्टी तो यू शुड कम हियर, आपको आना चाहिए। मैं तो स्वयं कहूँगा इस बात के लिए। टाइमिंग मैं कहूँगा कि जो बात कही है बिल्कुल कई कार्यकर्ताओं ने की है, वो कोई महाराज साहब की बात नहीं है कि जिन अधिकारियों ने, जो भ्रष्टाचारी अधिकारी थे जिनको दोबारा से अपॉइंटमेंट यहाँ दे दिए गए हैं, उनको तत्काल प्रभाव से माननीय मुख्यमंत्री जी से महीने के अंदर कैंसिल कराएंगे। टाइमिंग होना चाहिए हर चीज़ को। तो मैं निवेदन भी करूँगा डॉक्टर साहब से भी कि टाइमिंग हर चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि कार्यकर्ताओं में जब भी मैसेज जाएगा हम यहाँ पे भाषण देके चले जाएं, बात करके चले जाएं, उसका रिजल्ट नहीं आए तो उससे कुछ नहीं है। महीने भर के अंदर अंदर जो अधिकारी भ्रष्टाचार के आरोप में यहाँ से हटाए गए थे और उनको दोबारा से यहाँ पोस्टिंग दे देगी, ऐसे अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से